हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो हमारे पृथ्वी के पांच प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में से एक है, जिसका संबंध उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से है। इसे हम गंगा के मैदान के नाम से भी जानते हैं, और जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ है, और सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या इसी मिट्टी क्षेत्र में पाई जाती है। इसी क्षेत्र को उचावच और इनकी विशेषता के आधार पर पांच भागों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं वो है भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। इसमें से बहुत से नामों को आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, और बहुत से नाम जो हैं वो आप लोगों के लिए नए होंगे, पर कोई बात नहीं, इसमें हम लोग इसके बारे में एक एक करके हम लोग सारे के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बाद से आप लोगों को इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो जो पहला क्षेत्र है वो है भाबर। भाबर जो क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत के, जो हिमालय पर्वत है उसके ठीक आगे नीचे की ओर यह क्षेत्र पाया जाता है। हिमालय पर्वत जो है वो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसको जो है तीन भागों में बांटा जाता है। हमारे भारत के जो हिमालय है उसको तीन भाग में बांटा जाता है, जो है महान हिमालय जो सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद बीच का क्षेत्र को लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे का जो क्षेत्र है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र जो है वो शिवालिक के ठीक नीचे है, और यह क्षेत्र जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा लाए गए, हिमालय से जो नदियाँ आती हैं उनके द्वारा लाए गए रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर इस क्षेत्र में बिछा दिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ की जो नदियाँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती है धरातल के ऊपर, सारे इस बजरी रेत के नीचे रह जाती हैं। इस क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात करें तो यह 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ा है, और ये क्षेत्र का विस्तार जो है वो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, भाबर क्षेत्र। इसे हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये नदियों के द्वारा लाई गई जो भी बजरी, रेत, कंकड़, बालू, पत्थर है उससे ये क्षेत्र पूरा भाबर क्षेत्र बिछी हुई है, और जो कुछ बड़ी नदियाँ होती है वही दिखाई पड़ती है, बाकी सारी नदियाँ जो है इसके नीचे विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण नदियाँ जो है वो धरातल के ऊपर दिखाई नहीं पड़ती हैं, और ये क्षेत्र जो है वो कृषि के लायक नहीं है, यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अगला जो प्रदेश है वह है तराई। जैसे हमने देखा कि भाबर क्षेत्र जो है वो हिमालय के बाद का क्षेत्र है, और तराई जो है वो भाबर क्षेत्र के आगे का क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र जो है वो भाबर के आगे है। यहां पर नदियां बहती हुई दिखाई पड़ती हैं, मतलब भाबर में जो नदियां दिखाई नहीं दे रही थी कंकड़ बालू पत्थर के कारण, उसके अंदर छिप गई थी, धरातल पर दिखाई नहीं दे रही थी, वो नदियां जो है वो तराई क्षेत्र में फिर से धरातल के ऊपर दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन इन नदियों का मार्ग जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, ये इधर उधर बहती हैं, जिस तरह यहाँ पर चित्र में हम लोग देख सकते हैं। यह क्षेत्र जो है नदियों के कारण पूरी तरह से दलदल क्षेत्र है,
और इस पूरे क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है 15 से 30 किलोमीटर लगभग। ये पूरा क्षेत्र जो है वो घने जंगल का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पाए जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी शरणार्थी आए वो इस क्षेत्र को अब साफ करके यहाँ पर खेती कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो भी जंगल थे उसको साफ करते जा रहे हैं। अगला जो प्रदेश है वह है बांगर। बांगर जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है और बांगर ऐसा क्षेत्र होता है जो सामान्य भूमि से थोड़ा ऊंचा होता है, जिस कारण से नदियों का पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। बाढ़ का पानी जब बाढ़ आता है तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण नई मिट्टियों का निक्षेप नहीं हो पाता है और इसी क्षेत्र को जो है बांगर कहा जाता है। इसे पुराने जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में कृषि कार्य उतने अच्छी तरह से नहीं हो पाती है क्योंकि ये पुरानी मिट्टी होती है। इसे हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है, जिसके कारण नदियों द्वारा जो कुछ भी लाया जा रहा है वो ऊपर तक निक्षेप नहीं कर पा रही है नदियाँ। यही क्षेत्र जो है वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। अगला जो प्रदेश है वह है खादर। खादर जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। खादर ऐसा क्षेत्र होता है जो नीचे होता है, जिसके कारण नदियाँ जो कुछ भी अपने साथ लेकर के आती हैं उसको इस जगह पर निक्षेप कर देती है, आसानी से निक्षेप कर पाती है। जो कुछ भी लाती है, बजरी, रेत, मृतिका, गाद इत्यादि जो भी लाती है, उसे बहुत आसानी से ये इस निचले वाले भूमि पर निक्षेप कर देती है और यही जो क्षेत्र है वह खादर क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र जो होता है उसे नए जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं, इसे नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि हर वर्ष जो है यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है और अपने साथ नई मिट्टी को छोड़ देता है। इसे हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। देख रहे हैं नदी है और उसके बगल में जो जमीन है वो काफ़ी नीची है, जिसके कारण नदियाँ जो कुछ भी लाती है उस इस नीचे वाले जमीन पर छोड़ देती है, जिससे कृषि कार्य इसमें बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब जो आखिरी टॉपिक है वो है डेल्टा। डेल्टा के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बहुत से लोग डेल्टा के बारे में जानते हैं, पर ये इसी टॉपिक से संबंधित है इसीलिए मैं इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बतला रही हूँ। डेल्टा जो होता है वो नदियों के द्वारा निर्मित होता है। जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, हम लोग जानते हैं कि सभी नदियाँ जाकर के अंत में समुद्र में ही मिलती हैं, पर समुद्र में मिलने से पहले जो कुछ भी अपने साथ लाती है, रेत, बजरी, मृतिका, गाद, जो कुछ भी लाती है उसको नदियाँ जो होती है इसी डेल्टा क्षेत्र में नीचे कर देती है और अंततः जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। अगर देखा जाए तो ये डेल्टा जो होता है वो बिल्कुल चिड़िया के पंजे के समान दिखाई पड़ता है और इसकी अलग अलग और भी आकृतियाँ होती हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो मिल करके बनाती हैं और सुंदरवन डेल्टा ये काफ़ी प्रसिद्ध है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है।
इसे हम लोग इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि किस तरह से नदियाँ डेल्टा बनाती है। नीला रंग जो है वो पानी है, और देख रहे हैं हम लोग किस तरह से नदियाँ जो है वो सारी तरफ फैली हुई हैं, और अपने साथ जो कुछ भी लाई है भूरे रंग की, उसको समुद्र में मिलने से पहले निक्षेप कर दी है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज मैंने जो भी बताया वो समझ में आया होगा। आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, मैं एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियो इसमें डालते रहूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।